जनपद बहराइच में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हुए रूबीना खान ने अपने प्यार को पाने के लिए रूबी अवस्थी बनकर शेष कुमार अवस्थी से शादी कर ली। परिजनों के विरोध के बावजूद रूबीना खान ने शेष कुमार अवस्थी के साथ मंदिर में सात फेरे लिए और मांग में सिंदूर भरकर हिंदू धर्म को अपना लिया। रूबीना खान के बयान के बाद कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए दोनों को पूरी सुरक्षा के साथ लड़के के पिता कन्हैया लाल अवस्थी के सुपुर्द कर दिया गया। कोतवाली देहात इलाके के शिवपुरा निवासी रूबीना खान और शेष कुमार अवस्थी के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। चूंकि दोनों अलग अलग समुदाय के होने के चलते परिजनों से बगावत कर मंदिर में शादी करने का इन दोनों ने फैसला लिया और हिंदू रीति रिवाज के साथ सात फेरे लेने के बाद रूबीना खान से रूबी अवस्थी बन गई लड़की। ये बात रूबीना के परिजनों को नागवारा गुजरी और पिता ने शेष कुमार पर अपहरण का मुकदमा कायम करवाते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय में पेश होते ही रूबीना खान ने कहा, जज साहब, मैं बालिग हूँ, मुझे अपना फैसला करने का पूरा अधिकार है। मैंने अपनी इच्छा से अपने मजहब को छोड़कर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। रूबीना खान की इस बात को सुनने के बाद न्यायालय परिसर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिलहाल न्यायालय के आदेश पर दोनों को पूरी सुरक्षा के साथ लड़के के परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में लड़के के पिता कन्हैया लाल अवस्थी ने कहा कि वो इस शादी से बेहद प्रसन्न है और मुस्लिम समुदाय की बिटिया को हृदय से अपनाते हुए घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। लड़की को अपना लिया है और उसका नाम रूबी अवस्थी कर दिया है और उसको हमने स्वीकार कर लिया। दोनों लड़के और लड़की ने दोनों लोगों ने प्रेम विवाह किया है, इससे आपका परिवार और आप लोग कितने खुश हैं? हम साहब बहुत खुश हैं जी। क्या कहना चाहेंगे और दोनों के लिए? अब उनको साहब यह है कि अपन खाए कमाए मजे में रहें और सुरक्षित से रहें बस। तो लड़की दूसरी धर्म की है और लड़का हिंदू है, तो कोई आपत्ति आपको तो नहीं? ना सर, कोई आपत्ति नहीं। लड़की में, कुमारी लड़की में कोई जात नहीं होती है, जिसके साथ जाए उसी की जात। कोतवाली क्षेत्र में शिवपुरा ग्राम सभा है, वहाँ के रहने वाले शेष कुमार अवस्थी ने ये रूबी के नाम की लड़की से इन लोगों ने, ये प्रेम था इनको, फिर ये कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे। उसके घर वाले, लड़की के घर वाले इस शादी से राजी नहीं, तो उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराया था देहात कोतवाली में। फिर इनको पुलिस ले करके आई, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय पर इनका बयान हुआ जिसमें लड़की ने बताया कि अपनी मर्जी से हम गए थे और हम शेष कुमार के साथ ही रहना चाहते हैं अपना। और न्यायालय ने उनका 164 का बयान लिया और फिर उनके माता पिता की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स IU ने कलेक्ट किया था। अंततः न्यायालय ने उसको बालिग माना और बालिग मानते हुए फिर उसकी इच्छा पर स्वतंत्र कर दिया कि जहाँ पर वो जाना चाहे पुलिस सुरक्षा में उसको भेज दिया जाए। लड़की किस बिरादरी की पहले थी? लड़की मुस्लिम बिरादरी की है और लड़का हिंदू धर्म का है। तो अब दोनों की शादी हो गई क्या? अब दोनों साथ में रहने के लिए उन्होंने कहा कि हम साथ में रहेंगे और ये शपथ पत्र न्यायालय पर दिया है और लड़के के जो पिता हैं कन्हैयालाल अवस्थी, उनके शपथ पत्र देने के उपरांत उन्हीं के साथ में लड़की को भेज दिया गया।